हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, काफ़ी लोगों के माइंड में ये डाउट है कि ट्रिपल सी है क्या। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी है क्या और ये क्यों ज़रूरी है और भविष्य में इसका क्या उपयोग हो सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ, देखिए ट्रिपल सी, ठीक है, तो ये ट्रिपल सी होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, या इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर अवधारणा प्रोग्राम। कहने का मतलब, आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, लाइक कंप्यूटर के सभी जो प्रोग्राम होते हैं उनको संचालित करना और इंटरनेट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इसी से रिलेट करते हैं ट्रिपल सी। ठीक है, अब ट्रिपल सी क्यों ज़रूरी है, कैसे करें इसको, फीस इसकी कितनी है, कितने समय में हम इसे कर सकते हैं, इसका पेपर क्या होगा, कैसा सिलेबस होगा, सभी चीज़ें हम जानेंगे वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और अच्छे से आप जानकारी जुटा पाएंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण है आने वाले समय में। देखिए, अभी हाल में ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कहीं पे कि उत्तराखंड में अभी आ सकते हैं कुछ पद वीपीडी और वीडियो के, जिसमें साफ साफ दिया गया कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में से रखा गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये थी वो न्यूज जिसमें साफ साफ दिया था कि इस भर्ती हेतु आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है, देखिए, आपको ग्रेजुएट होने के साथ साथ ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट शैक्षिक योग्यता का होना अनिवार्य है। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हो चुकी है आगामी जो भी विज्ञापन आएगा स्टेट का। और मैं बात करूँ, उत्तराखंड ही नहीं वरन अभी 4-5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये कंपलसरी कर दिया गया है विभिन्न सरकारी पदों हेतु। तो इसको आपको करना जरूरी हो गया है आने वाले समय को देखते हुए। ठीक है, अब तो करना है, तो आप जानेंगे इसके बारे में कैसे करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले देखिए क्या है ट्रिपल सी। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है और इस कोर्स को करवाता है नाइलिट। ठीक है, नाइलिट का मैं अगर पूर्ण रूप बोलूँ, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसकी सभी टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। ये सेम लाइक कोर्स होता है जो पहले डोएक होता था ओ लेवल का, ठीक है, उसी से संबंधित है, उसको ख़त्म करके नाइलिट के द्वारा आप ये परीक्षा संचालित करवाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की जानकारी हो जाती है इसमें, और सरकारी और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए काफ़ी कंपलसरी हो चुका है आज की डेट में ये कोर्स। ठीक है, और जो राज्यों की मैं बात कर रहा था, देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड भी मैं बोल सकता हूँ आने वाले समय में, ये सभी राज्यों के जो अधीनस्थ सेवा चयन वाली भर्तियाँ हैं उसमें ये कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसे इस कोर्स को करें। तो ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए देखिए, या तो आप दो मोड से कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन मोड, या आप किसी इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो वो ऑफलाइन मोड हो गया एक हिसाब से, देंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही। आप कहने का मतलब, आप घर बैठे भी कर सकते हैं इस कोर्स को, या आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसका नाइलिट से संबंध हो, कहने का मतलब नाइलिट से वो पंजीकृत इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, इसमें आप पहली बात ये रह गई कि शैक्षिक योग्यता, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई कि आप कितने पढ़े हैं, आप 5वीं पास हैं, 8वीं हैं, इंटर पास हैं, या आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईटी वाले हैं, ये ना सोचे कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हमने, या जो बीसीए वाले हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, सभी कंप्यूटर की आपने डिग्री भी ली है आईटी सीएस की, तो आपको फिर भी एक ट्रिपल सी करना कंपलसरी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता नहीं है इसमें, केवल आपका नाम जाएगा, आधार कार्ड नंबर, आपकी बेसिक डिटेल्स जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो या आप ऑनलाइन भरें। ठीक है, परीक्षा फीस इसमें लगभग 600 रुपये के आसपास लग जाता है आपका, अगर आप संस्थान से भरते हैं तो फिर आप इतने में ही कर पाएंगे, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं खुद से, स्वयं से भर रहे हैं, तो फिर 500 से 600 रुपये का खर्चा आ जाता है इसमें। देखिए, जो परीक्षा समय होता है इसमें, हर माह के प्रथम शनिवार को आयोजित होती है परीक्षा, और ये मान्यता प्राप्त जो सेंटर बनाए गए होते हैं नाइलिट के द्वारा, वहीं पे आयोजित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं आप जिस शहर में रह रहे, अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे नाइलिट का कोई प्राधिकृत सेंटर हो, मतलब अगर वो सेंटर दूर है तो आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो देखिए मैंने आपको बोला, कोर्स की अवधि इसमें 80 घंटे है, कहने का मतलब जैसे आज आपने इस साइट पे जाके नाइलिट की आज फॉर्म फिलअप कर दिया या एडमिशन ले लिया इस साइट पे, उसके बाद आज से लेकर 80 घंटे यानी कि लगभग दो माह के बाद आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होगा और उसके बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया होगा उसमें फॉर्म फिलअप करते समय, उसमें मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आ चुका है साइट पे, आप डाउनलोड करें और आपका एग्ज़ाम दें जो भी आपका सेंटर आया होगा।
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, देखिए ट्रिपल सी कोर्स को दो टाइप से कर सकते हैं आप। पहला ऐसा कि जिन संस्थानों द्वारा CCC पाठ्यक्रम चलाने के लिए NIELTS के द्वारा प्राधिकृत है, मतलब जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं आपके आसपास, अगर वो NIELTS से प्राधिकृत हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया। देखिए इसमें आपको करना क्या है, दूसरा तरीका है कि आप स्वयं तैयारी करें। देखिए आज की डेट में बेसिक नॉलेज सबको होता है कंप्यूटर और इंटरनेट का, ठीक है, और इसी का एक सर्टिफिकेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कंप्यूटर की और इंटरनेट की आपको नॉलेज हो, ताकि आज की डेट में आपको पता है डिजिटल इंडिया हो रहा है तो सभी क्षेत्रों में, गवर्नमेंट क्षेत्रों में भी आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आवश्यक है। तो इसी वजह से इस कोर्स की बाध्यता की गई है। तो आप यहाँ पर जाएंगे ना, जब ये student.nielts.gov.in यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट वाला कॉर्नर खुलेगा और CCC कोर्स का ऑप्शन आएगा। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और घर से फीस सबमिट करवा सकते हैं डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। जैसे आप ये फीस सबमिट करवा लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद 2 माह बाद क्या होगा आपका, और खुद ही आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। बाजार से अगर कोई CCC की बुक लाएँ तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अच्छे से जानते हैं कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, जिन्होंने पहले भी कोर्स किया पूर्व में, उनको कोई ज़रूरी नहीं है, पास आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कठिन एग्ज़ाम नहीं होता इसका, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, देखिए तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आपका 2 माह बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका जो सेंटर आएगा एडमिट कार्ड में, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, 50 नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है, 100 में से 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ध्यान रखें इस चीज़ का, 50 के जिसमें MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 50 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, सत्य एवं असत्य। और इस 100 में से आपको क्वालिफाई होने के लिए 50 मिनिमम तो लाने ही पड़ते हैं, तब जाके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये सिंपली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें जो देखिए, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है और कुछ जानते नहीं कंप्यूटर के बारे में, तो CCC की एक बुक आती है बाजार में, पतली सी एक किताब आती है, बिल्कुल सस्ती भी आ जाती है, आई थिंक 40-50 रुपये की, आप वो ले आएँ। उसमें कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, और शब्द संसाधन के तत्व, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर संचार एवं इंटरनेट, इन्हीं से क्वेश्चन, WWW तथा वेब ब्राउजर, संचार एवं सहयोग, और छोटे जो प्रेजेंटेशन होते हैं इनसे रिलेटेड ही वहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे WWW का आविष्कार किसने किया, उसमें प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, ऐसे आएगा। और लैंग्वेज कंप्यूटर की सबसे पुरानी कौन सी है, जैसे क्वेश्चन पे आप देखते हैं अमूमन एग्जाम्स में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पढ़ाई करने पे आप इसको पास कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए परीक्षा देने के बाद आप परिणाम डाउनलोड करने के लिए फिर से उसी साइट पे जाएंगे। इस साइट को आप यूज़ कीजिएगा, ध्यान से देखिए, मैं अभी इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक भी दे दूंगा इस साइट का, ठीक है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो यहीं पे आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, देखिए डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आएगा आपका साइट पे ही, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप उसको डाउनलोड करेंगे और प्रिंट आउट कर लेंगे उसका, ठीक है, और आपने फिर CCC का सर्टिफिकेट आपके पास हो गया, और ये हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था CCC, हमने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको उत्तर दूंगा आपका कोई भी प्रश्न हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।